का पागल हो गई पकरम पकड़ाई हो रहा है उस छत पे। ये देखो ये रोहो है सांप और शाम का टाइम है इसे वीडियो बनाएगी दीदी और नीचे चलेंगे इसे शाम के ब्लॉग में पानी देने बनाओगी पूछ रहे हैं कुछ गाइस वो कुर्सी पे खड़ा होने दीजिए गाइस अभी हम अब जा रहे हैं ये आपको लेके जाएगी छत पे क्योंकि ये छत पे ना कोई शाम का ब्लॉग बना रही है इसलिए इसके पास कोई काम धंधा नहीं रहता है शाम को कि क्या दिखाए हम पढ़ रहे हैं ये कर रहे हैं 3 दिन बाकी है इसके एग्जाम में थोड़ा सा भी डर एग्जाम से तो डर ही नहीं लगता इसको अभी जा रहे हैं तैयार होंगे उसके बाद आपको लेकर तैयार होगी हाँ ना कपड़ा पहनोगी अरे रुक जाओ ना बेइज्जती नहीं होना है समझ रहे हो ना तो गाइस तुम कुछ बोल रही जा रहे हैं पढ़ने के लिए नहीं छत पे बोली थी जाना छत पे जाने का मन नहीं कर रहा फिर ड्रेस चेंज करना पड़ेगा फिर बाल झाड़ना पड़ेगा क्या कर रही हो कैमरा छत पे जा रहा हूं तो गाइस ये देखिए अभी मैं जाऊंगी छत पे वहां पे इतना सुंदर सीनरी है तो बोल रहे हैं छत पे जा रहे हम खींच लो फोटो फोटो खींच जा नहीं रहा है मेरी तरफ कैमरा कर नहीं रही है तो कि हम देखेगा ना तुम्हारे ना तो एक बरसों की छुट्टी वाली बहन है ना पर इच्छा आती ही नहीं है कि सब इसे बोले देखिएगा इस पे स्किन का टेक्सचर आज एलोवेरा इस पे थोपे हैं और आज जो ये सुबह में वीडियो बनाई थी ना कि एलोवेरा पूरा लगा ली थी बाल में वही कर रहे थे तो गाइस इतना सुंदर है रेनबो भी है इसको कुछ नहीं करती अरे बताए अगर पढ़ाई का नाम लेके बताए क्या करती है ये आप लोग से पढ़ाई का नाम लेके कि ना चलो हम लोग पढ़ते हैं कुछ नहीं हुआ रॉन्ग सिग्नल कैमरामैन बंद करो मुझे शर्म आ रही है पानी गिरा दिया मेरे रूम में अब गिरेगा कुछ भी बोलती है फाइनली गई तो गाइस मेरा 3 दिन बाद एग्जाम है गैस पेपर तो गाइस पता है ये ना क्या करिए देखिए क्या चीज का है ये इसका ना इसी तरह का फुल स्लीव वाला का है ये जब अभी एक दिन बाहर गई थी मैं कछुआ लाने को तो ना पूरा काट के हाँ कुछ नहीं छुपाती हूँ देखिए मैं अच्छी हूँ ना ज्यादा इससे और गोरी भी और बड़ी भी व्हाइट में देखो व्हाइट बैठे हुए आप बैठी हुई है कितनी है छोटी है खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हूँ ना हम आपको लेकर चलते हैं नीचे अपने गार्डन दिखाने चलो चलते पानी जाते पानी जाने तो बड़ी जल्दी चलो गाइस जल्दी जल्दी चलिए एक साइड में आ रहे हैं तो अभी चलिए आपको लेकर चलते हैं हम अपने हाँ दीदी जाना है कि नहीं फाइनल तय करो नहीं जाना बैठ कर क्या करोगे घर में पढ़ना लिखना तो रहता है नहीं पढ़ना लिखना रहेगा घोड़ा का सीन में अरे मैडम ओ देखो मेरा लंबे लंबे बाल कोमल कोमल बाल करते रहेगी मैडम
देखिए गाइस, देखिए अब सब ये मैडम देखिए बाद में मैं यहां पे काफी ज्यादा अतरी का सुंदर चीज दिखाऊंगी जिसके कल ये लड़की एक झलक के लिए तरस गई थी। वो चीज दिखाएंगे, बोल रही थी ना बहन प्लीज 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 दिखाइए। चलिए लिफ्ट में चलते हैं, पागल सोच रहा होगा हमको। आ रही हूँ ना पीछे से। आ रही हो ना? चलिए गाइस अब चलते हैं टिपक टिपक। किसी का चूड़ियों का खल खल सुना, डर लग रहा है। देखो गाइस हम लोग का चमगादड़ रॉयल लिफ्ट आ गया, पकड़ो ना तू। ये खोले हैं हम, लगाओगी तुम? ये बस खड़े रहने को ये मेरी बहन देखो बच्चा साइकिल को फेंक रहा है। देखिए कौवा भी है, कहा नहीं दिख रहा है तुम्हें? और ये है आम का पेड़, हाइट छोटा है तो कहाँ से दिखेगा? ये है पूरा पटना, पूरा पटना है। कितना मस्त एस्थेटिक सा लुक लग रहा है ना। हाँ, पर ये अगर नहीं रहता इसको पूरा कलर रहता ये सब तो ज्यादा ही लग। देखो ना कितना सुंदर घर है मैना के साथ, मैना है छत पे। हाँ दिख रहा है गाइस को, पता है बहुत मस्त लग रहा है यहाँ से सीन। नीचे में बच्चे चिल्ला रहा है, देखिए आंटी छत पे किससे बात कर रही है कुर्सी पे बैठ के। ओए होए होए दीदी, ये ए दीदी कौन हो सकती है, कौन हो सकता है दीदी, दीदी कौन हो सकता है? इसको बहुत ज्यादा जल्दी है जानने का। ये आंटी पैर में पानी डाल रही है। चलो हम लोग घूम लेते हैं। और ये है हमारा पूरा छत, इतना बड़ा सा। यहाँ से भी अच्छा दिख रहा है पूरा स्काई। ओ भाई कितना गजब लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे फोटो शूट कराएगी पूर्वी। उस साइड। किस साइड? उस साइड। क्योंकि उस साइड ये सब खाली आ रहा है। तो कल कुछ नहीं होगा। चलो। अरे हम ना कौन सा उससे जाते हैं? फोटो खींचो ना, स्टैटिक फोटो के लिए कर रहे हो। इसका पोज देखिए गाइस। इसको फोटो खिंचवाना है गाइस। अरे क्या कर रही है? वाओ गुड। अरे सही में रही है। बहुत हवा चल रहा है। हट चलो घर निकलो। पंजा लड़ा है, पंजा लड़ा है भैया, पंजा लड़ा है। लड़ा है बड़ा ना। देखो देखते हैं कौन जीतता है, कौन जीतने वाला है, तुमको क्या लगता है? पता नहीं लगता कौन ही जीतेगा। भाग गया शर्म आके बेचारा, हार गया लगता है। नहीं जीत गया। देखे गाइस वो चला गया पूरा भाग के और देख लिया ये पूरा छत। देख इस साइड फोटो ढंग का आया है ना, अगर नहीं होगा ढंग का तो नहीं। इससे कुछ ही में चलता है क्या? अगर कुछ नहीं रहेगा तो यहाँ पे
टंकी कहाँ है वैसे? पता नहीं, ये बहुत ही छत बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये देख लीजिए पूरा इतना बड़ा छत है। आंटी बार बार हम ही को देख रही, उधर क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा है। अरे ये देख, पकड़म पकड़ाई हो रहा है उस छत पे, दिख रहा है, देखो दीदी। हाँ, और वो दीदी को देखिए, वो दीदी अलग ही खोई हुई है, पता नहीं किससे बात करने में, बात नहीं कर रही है, नॉनसेंस। अरे अरे घूम गई। ये बात करने वाली दीदी फोन पे, तुमको कहा बैठा लाल दया को कैसे करते हैं डूबी काम को मत करने दें दीदी, तुम बस पे बैलेंस कर सकती हो, हम करके दिखाते हैं तुमको। क्या बस पे बैलेंस? देखिए गाइस क्या करती है मैया, बिना पकड़े हुए हम गिर जाएंगे। बस पे तो नहीं हो सकता, पाइप पे जरूर हो सकता है। करें ऐसे ऐसे छुछुंदर लोग के वजह से पाइप फट जाता है गाइस, हवा भी बहुत चल रहा है ना। ओ भाई, बिना पकड़े बिना टच किए खाली खा के तुम मोटा ही सकती हो और कुछ नहीं कर सकती। हमको आलसी बोल रही है, हम आलसी लगते हैं? अगर आलसी रहते तो छत पे आते हम। लिफ्ट से आई है इसलिए तुरंत हो गया है, चल के तो आने वाली थी दीदी। हाँ। जल्दी से बना के नीचे भी चल। मान लो अगर यहाँ से मेरा फोन गया नीचे गिर तो क्या होगा? तो दूसरा फोन लेने के लिए हमको बहुत रोना पड़ेगा। बहुत अच्छा मतलब एस्थेटिक टाइप का है, लेकिन मेरा फोटो खींचने वाला कोई है नहीं ना। लेकिन हम अच्छा कपड़ा भी नहीं पहने हुए। मेरे बर्थडे के दिन ऐसा रहे ना, इतना सूट परी लग रहा है, परी वाइट कलर प्रॉपर। ऐसे अभी भी तुम परी नहीं लग रही हो गाइस, नीचे चलेगा ना, इतना सुंदर चीज मिला है ना कि आप इससे भी ज्यादा सुंदर है वो चीज। मतलब तुम मानती हो ना कि हम सुंदर हैं? नहीं, अभी बोली है ये, भी ज्यादा सुंदर है वो चीज। मतलब हम सुंदर हैं थोड़ा सा, अभी तो है लेकिन है तो, अभी मेरा मुंह ऐसे चमार जैसा लग रहा है ना। हाँ बताए कितने सुंदर हो, कितना परसेंट? 1% 99% वो चीज है जो हम बनाए हैं, और उनके लिए छोटे छोटे कपड़े। मेरा फोटो कोई खींच देना, हम खींच देते ना पक्का। क्या कर रही हो तुम? कपड़ा मेरा नेल पेंट देख। आंटी बार बार देख रही है हम ही लोग को। लगता है ये पागल हो गया। क्या कर रही हो आंटी? देख रही है बार बार। उतना सारा खींच देना। अरे तुम काली आ रही हो, सुंदर सा पीछे से। अरे पागल अभी गिर जाते हो। अरे आओ पहले, अंकल है वहाँ। हाय गाइस, देखिए कितना मस्त लग रहा है। अरे क्या कर रही है गाइस, देखिए भिखारी जैसे कर रही है। दीदी चलो ना, कहाँ पिंक? आपको कहीं पिंक दिख रहा है गाइस? ऊपर। अरे उधर आंटी, अरे छोड़ो ना आंटी, फिर कल आएंगे पक्का। क्या जानती तो सुने पक्का, कल कल आएंगे, कह दिया ना कल आएंगे। तुम अरे ये खींच दोगे तो क्यों हो जाएगा? अरे तुम कहाँ लगाओगी फोटो? अरे डालेंगे हनी मनी पे, मनी बड़का मनी पे, मनी अठनी नहीं है यहाँ। काहे ऐसे कर रही है पूर्वी? नहीं लेके आएंगे अब, कभी आएंगे भी नहीं हम छत पे। जाओ निकलो, तुम निकलो ना कि हम। इसको जब कोई काम नहीं ना करके दो तो यही सही रिएक्ट करती है। लगता है ये पागल हो गया है। क्या कर रही है गधी लड़की? हम नीचे क्योंकि मेरी बहन को ये गुस्सा बहन वहाँ पे चल रही हो, ठीक है चलते हैं नीचे। कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई है। पागल है क्या? आओ नीचे, करोगी ड्रामा? ड्रामा बाज लड़की।
अंकल सुन लेंगे ना तो तुमको सही में पागल बना देंगे, समझी? बदतमीज बच्चा। चलो खोलो। चलो नीचे भी चली ले। नहीं चलो ना। नहीं हम जा रहे हैं। ठीक है तुम जाओ। चलिए अभी चलते हैं घर, और देखिएगा अभी आ जाएगी मेरी बहन वापस। चल मैं कूद जाऊंगी यहाँ पे से। यहाँ से कूदेगी भी तो कुछ नहीं होगा। रेस्क्यू करना तुम लोग मेरे को। दीदी जाना। चलो अब तुमको कुछ दिखाना है ना। अच्छा अरे भाई गेट भी लग गया तुरंत। आ गई है कुछ पता नहीं ले लेके से। बहुत ज्यादा एक गर्मी है। क्या कर रही हो? आपको तो छत दिख ही गया हो कितना बड़ा है। अभी तो आज मेरा हमको पागल देखे गाइस, मेरे जैसे आलसी लड़की खाना भी खाई है और ये कल का कटोरी है। और मम्मी भी छोड़ देती है जानबूझ के, जो जितना करना है करो। और ये देखिए क्या कर रही है। नहीं दिखाओगे ना तो बंद कर देंगे, नहीं दिखाने देंगे गाइस। ये देखिए ये है पूर्वी का बनाया हुआ क्या चीज़ क्ले से कान्हा जी से मिला है, वही बुक लेके आया। इसमें कंगारू है? कंगारू नहीं है, देश का मैप है। और ये तो? क्या कहते हैं ये? तो इसको ये चाहती है कि हम बनाए इसका ड्राइंग, मतलब कि चाहती है कि हम इसका होमवर्क करें। देखिए रोने का मतलब हमको नहीं रुलाएगी, ये खुद रोएगी। मेरा क्या है, तुमको रोना है तो तुम रो। अभी इसको कंगारू बना के हम कैसे दें आप ही बताइए। कंगारू नहीं, ओ सॉरी ऊंट। ये क्लिप बहुत सुंदर लग रहा है ना, दिखाओ तो मेरे पे कैसा लगेगा। दिखाओ ना। मैं ड्राइंग नहीं बनाऊंगी। तुम नहीं दोगी? ड्राइंग बनाओगी क्यों? दोगी या नहीं दोगी पहले बताओ। ठीक है नहीं दोगी तो नहीं बनाएंगे, जाओ पहले बताओ बनाओगी कि नहीं। नहीं तो निकलो यहाँ से। क्यों निकले? सो क्या बोले, क्या बोलिए बुआ? कुछ भी तो स्वीट है कलकत्ता का रसगुल्ला, बस इतना भी नहीं बोलना था। ऐसे मेरा खुद का एग्जाम है तो हम सोच रहे हैं कि पढ़ लेते हैं। क्या है? अर्ली मैथ्स। आप लोग कौन से क्लास में पढ़े हैं? मैं 2 में भी आया था, 1 में भी आया था, 3 में भी आया। तीनों साल एक के चैप्टर को रिपीट कर देते हैं बस। कभी चैप्टर 14 रख देते हैं, कभी 12 रख देते हैं, कभी 1 रख देते हैं, कभी 10 रख देते हैं, कभी 14 रख देते हैं। हो गया दो दो बहुत ज्यादा बोलते हैं। दो दो अर्ली ह्यूमंस का चैप्टर। ये देखिए एक ये रहा और एक पहले जो दिखाया। इसके स्कूल में पता है क्या होता है? पढ़ाई होता नहीं है लेकिन मैम इसको होमवर्क दे देती है। जो कि पढ़ाई नहीं होता, नहीं जो चैप्टर इसका मतलब कि रहता है वो चैप्टर इसका पढ़ाई होता नहीं है लेकिन मैम इसको होमवर्क दे देती है। अच्छा मेरी मैम के बारे में कुछ मत बोलो, समझी? हम तुम्हारी तरह नहीं है जो टीचर का रिस्पेक्ट नहीं करती। वो मेरी फेवरेट मैम है 1 ही क्लास से। तो उनके बारे में बोलने से पहले सोच लो कि किसके बारे में बोलो। तो ज्यादा ही सेंटी हो गई। इसे मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था इसको सेंटी करने का। क्यों फालतू का मारते रहती हो? था खराब। ये इतना चिल्लाती क्यों? हमको तो कभी-कभी समझ में नहीं आता है। ये देखिए मेरे चिल्लाने का कमाल, अगर रो देंगे तो तेरा क्या होगा सोच ले कालिया। गाइस आपकी बहन का झूठा हंसी मतलब हंसी तो नहीं झूठा आंसू आपको कुत्ते की तरह पिटवा सकता है। अभी हम पिटते पिटते बच गए, मेरी मम्मी अभी आई थी देखने के लिए। इतना जोर से चिल्ला दी, जितना जोर से हम इसको मारे भी नहीं थे, बस ऐसे किए थे।
अभी ये ज्यादा हो गया इसका। रुक रुक पापा रुक। हम पता है सबसे ज्यादा एक्साइटेड किस से? ऑलरेडी रुक 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 कि एग्जाम में जाएंगे। मेरा पता है एक बात, एडमिट कार्ड आ गया है मेरा, और मेरा जो एग्जाम सेंटर है वो मेरा पिछले कॉलेज का है, मतलब जहाँ से हम 12th पास किए थे। हाँ, जहाँ से हम 12th पास किए थे वो है मेरा सेंटर। हम कौन से कॉलेज से 12th पास करेंगे बताओ तो, बताना। अभी हम ये कैसे बता दें? बताओ तो हम बताओगे। अभी ये कैसा है क्वेश्चन यार, अभी हम कैसे बता दें कौन से कॉलेज से 12th पास करेगी? पहले 10th तो पास कर लो फिर 12th पास करना। तुम कितने क्लास तक पढ़ी हो? 13। 12वीं फेल। मैं पास हुए यार, 25,000 रुपया मिला है हमको। हाँ, 13वीं फेल। अभी एग्जाम भी नहीं दी है, इसको ही बोलते हैं। पता है इसका काली जुबान एक पनौती है। मम्मी को बोल देंगे फिर भी ऐसे मत करो, एक तो हम ऐसे ही नहीं पढ़े हैं, पढ़ते लगे। तेरहवीं फेल। मैं ड्राइंग बनाएगी कि नहीं बता दे। वीडियो भी लगा रहे सब दे, लेकिन नहीं बोल रहा है ऐसे। और अच्छा, एक तो ऐसे ही हम पढ़े नहीं, हम मेरा एकदम से डर से हालत खराब है। मौका मिलेगा गंदी गंदी, मौका मिलेगा गंदी गंदी, मौका मिलेगा गंदी गंदी।